महंगाई पर काबू पाने के सारे उपाय नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। इन्फ्लेशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 4 महीनों में महंगाई काफी ऊंचे स्तर पर जा रही है। 2017 में महंगाई 3.68% थी, जबकि इस साल 5.13% रही है। इस महंगाई की वजह साफ है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ा। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार होती गिरावट से महंगाई पर काबू पाना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई का असर रोजमर्रा के कुछ सामानों पर भी हुआ है और उन सब्जियों पर भी देखा गया जिन सब्जियों की पैदावार इस मौसम में नहीं होती है। सब्जियों की कीमतें सिर्फ बढ़ नहीं रही हैं, बल्कि कुछ सब्जियों की कीमतों में गिरावट भी आई है। वहीं अगर इस साल के अक्टूबर महीने की बात करें तो इन्फ्लेशन की दर में नमी आई है, जिसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और बाजार में नई फसल का पहुंचना है। मगर इसे हम महंगाई पर काबू पाना नहीं कह सकते, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बाजारों में सब्जियों की आवक बढ़ जाती है। इस साल हमारे देश में दालों का उत्पादन जरूरत से ज्यादा हुआ, लेकिन दूसरे देशों से पहले से हुए करार के मुताबिक दालों का आयात किया गया, जिसकी वजह से हमारे देश के किसानों को अपनी फसल कम कीमत में बेचनी पड़ी। मगर बाजारों में आयात की गई दालों को ज्यादा कीमतों में बेचा गया, जिससे महंगाई पर काफी असर पड़ा है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।